हेलो माय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ, और मैं हूँ आपका दोस्त सुनील। और एक रिक्वेस्ट पर शुरू में ही कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर कोई मेरे चैनल्स पे फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको इससे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूँ। और आपको कोई भी अगर यूट्यूब पर या किसी पर भी कोई अपडेट आती है, तो उसे मैं सबसे पहले उसको एनालाइज़ करके और आपको बताता रहूँ, ठीक है? और सेकंड चीज़ यह है कि आज जो वीडियो बनाई है, उसमें मैं अमेज़ोन के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। आप वहाँ से वो प्रोडक्ट देख सकते हैं जिन पे ऑफर चल रहे हैं, या आप उस लिंक के थ्रू कुछ भी बाय कर सकते हो, तो आपको उस पर एडिशनल डिस्काउंट ऑलरेडी मिल जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो पे आते हैं। तो आजकल आपने देखा होगा एक अपडेट आ रहा है यूट्यूब पे, कि अगर कोई भी वीडियो अपडेट कर रहे हो तो वहाँ पे कोपा के रिगार्डिंग एक पॉपअप आ रहा है, ऊपर ही लिखा हुआ जाता है जब वीडियो अपलोड करते हैं। तो कुछ लोगों में कन्फ्यूजन है कि यार बेसिकली ये कोपा है क्या, और कोपा कुछ गलत चीज़ तो नहीं है? तो उसको मैं आज दूर कर देता हूँ। और उसको आप कैसे अपने चैनल के अंदर सेट करेंगे, येस नो का भी ऑप्शन आता है, तो मैं उसमें आपको बता देता हूँ। बेसिकली कोपा जो है, आपको पता होगा नाम से ही आपको पता चल गया होगा, कोपा, COPPA। ये बेसिकली ये एक एक्ट है जो चाइल्ड के लिए है, जैसे कि हम उसे बोल सकते हैं कि फुल फॉर्म जो होती है चाइल्ड ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट होती है, जो कि 1998 में फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया था, ठीक है? तो उसके अंदर क्या है, आप समझ ही गए होंगे, नाम से ही पता चल गया, प्राइवेसी के वर्ड से। तो इसमें वही चीज़ है कि वीडियो के अंदर आपके कुछ कंटेंट ऐसे तो नहीं है जो कि 18 साल से नीचे होता है ना, 18 साल से नीचे तो माइनर ही होता है, तो 18 साल से नीचे के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको इससे हानि पहुँचे। यानी कि आपने देखा होगा नॉर्मली, अगर आप टीवी पे भी देखते होगे, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती जैसे चल रही होती हैं तो उस पर ब्लर कर देते हैं, ताकि उससे बच्चों को कोई डर पैदा ना हो या कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो, ठीक है? तो ये बेसिकली उसी के लिए बनाया गया है कि अगर आप अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार सिक्योर या कंफर्म कर लें कि आपकी जो वीडियो है वो कोपा के अंडर तो नहीं आ रही। अगर आपके कोपा के अंडर वो वीडियो आती है तो आपको क्या करना है, अगर नहीं आती तो क्या करना है, ठीक है? और इसमें तीन ऑप्शंस हैं, यस नो और एक आप रिव्यू कर सकते हो आप मेरी, यानी आप खुद यूट्यूब को ये राइट्स दे रहे हो कि अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहें तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप यस नो के ऑप्शंस में से कोई एक को टिक कर लेंगे, तो उस पर ये ऑप्शंस नहीं आएगा, ठीक है? तो आपको उसमें सेटिंग क्या करनी है, क्लियर हो गया आपको कोपा है, इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हवा नहीं है, वो एक आपसे पूछ रहा है। बेसिकली अगर से नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे भी समझते हो आप, बिजनेसमैन की लैंग्वेज में समझना चाहो, तो बेसिकली ये वो चीज़ है कि जब आप कोई वीडियो बनाते हो, तो वीडियो बनाने के बाद जब उसे अपलोड करते हो, तो आपने देखा होगा जिसके ज़्यादा फॉलोवर्स होते हैं, उसके व्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं, तो यूट्यूब उन पर ऐड चला देता है। देखा होगा बहुत से जनों ने, मोस्टली वीडियो पर चलता है ऐड, ठीक है? तो वो ऐड मीन्स यानी उनकी जो प्रोडक्ट है उसको यूट्यूब प्रमोट कर रहा है, यानी उनसे पैसा ले रहा है, और आपकी भी अगर वीडियो पे चला रहा है तो आपको पे कर रहा है, ठीक है? जब आपने पहले ही उनको ये राइट्स दे दिया कि भाई जो मेरी वीडियो है वह कोपा के अंडर आती है, और आपने यस कर दिया उसे, तो वो ऐड आपकी टीवी उस पे वीडियो पे नहीं चलेंगे, क्योंकि वो उन पे सिर्फ वही ऐड चलेंगे जो बच्चों से रिगार्डिंग हो, ठीक है? मान लीजिए एग्जांपल, अगर आप कोई मोबाइल सेल कर रहे हैं, बच्चा तो मोबाइल नहीं खरीदेगा, तो उस पर वीडियो चलाने का क्या फ़ायदा? तो बेसिकली इसमें प्रॉफिट कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यूट्यूब पर ही है, ठीक है? लेकिन फिर भी हमारा भी है, क्योंकि हम पहले से ही ये चीज़ क्लियर करके, हम ऐसा नहीं कहेंगे यूट्यूब पर ही प्रॉफिट है। अब इसमें सेटिंग करने की, आप समझिए, तो डरिए मत, ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत आइए कि क्या आ रहा है मेरे पास, तो ये पॉपअप आ रहा है, कुछ नहीं। अब बात करते हैं मुद्दे की, तो अब इसमें आपको सेटिंग कैसे करनी है। जब आपने यूट्यूब पर जाएंगे, जब आप इस क्रोम में खोलेंगे, अगर आप मोबाइल पे खोल रहे हैं तो डेस्कटॉप मोड पे खोलेंगे, और मोबाइल और डेस्कटॉप पे खोलने तो नॉर्मल कोई ज़रूरत है ही नहीं को सेट करने की। उस पे जाने के राइट हैंड साइड पे आपकी जहाँ फ़ोटो होती है, जहाँ पे देखा होगा आपने, या आपके चैनल का नेम होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, एडवांस सेटिंग का ऑप्शन आता है, देखा होगा आपने, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एडवांस सेटिंग पर क्लिक करेंगे, तो वहाँ पर तीन ऑप्शन आते हैं, एक आता है ब्रांडिंग का है, और दो और आते हैं आपने देखा होगा। तो जो ब्रांडिंग वाला ऑप्शन है उस पर नहीं जाना, जो एडवांस सेटिंग वाला ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे, तो तीन ऑप्शन आपके ओपन होते हैं, ठीक है?
उसमें पहला होगा यस, दूसरा होगा नो, और तीसरा वाला जो ऑप्शंस होता है वो उसे आई वांट टू रिव्यू दिस वीडियो फॉर एवरी वीडियो, ऐसी कुछ होता है। मेरे को इतना ध्यान नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया इतना, ठीक है। तो ये होता है उस पर ऑप्शन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो सारी रिव्यू हो, यूट्यूब आपकी वीडियो रिव्यू करें, तो आपको आई वांट टू वाले पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो से कंटेंट नहीं है ऐसा कोई भी जो बच्चों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, नहीं है तो नो को चूज़ कर लीजिएगा, अगर है तो यस को कर लीजिएगा और उसे सेव कर दीजिएगा। बस इतना सा काम करना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिएगा, घंटे को बजा लीजिएगा, ताकि मैं आपके ऐसी कोई वीडियो लेके आऊँ तो मैं आपको पहले सबसे पहले आपको वीडियो पता चल जाए, ठीक है। और आप इस वीडियो और प्लीज़ जितना हो सके शेयर भी कर दीजिएगा लोगों को, ठीक है। तो मैं ऐसी वीडियो ही बनाता रहता हूँ आपके लिए, सिंपल वीडियो बनाता हूँ, कोई मॉडिफाई उसमें मैं करता नहीं जैसा लोग मॉडिफाई करते हैं, सिंपल वीडियो होती है, ठीक है। तो कोई थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।